केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में रविवार को सुबह 7 बजे से मतदान को लेकर जहां कॉलोनी वासियों में जमकर जोश दिखा, वहीं शहर खामोश नजर आया। दोपहर तक मिले आंकड़ों के अनुसार कॉलोनी और गांव में 30-35% मतदान होने की सूचना है, जबकि शहर में कई जगहों पर 10-15% और कई जगहों पर 20-25% मतदान हुए हैं। चलिए देखते हैं, जब अर्थ प्रकाश की टीम पोलिंग बूथों पर पहुंची तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मंदीप गौतम। इस समय हम मौजूद हैं सीटीयू वर्कशॉप के अंदर, यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग कितनी तादाद में आए हुए हैं। आइए कुछ नारियों से जानते हैं, महिलाओं से जानते हैं कि वो इस बार किस सरकार को देखती हैं। आंटी जी, आपका नाम? हाँ जी, जगपता। जगपता जी, इस बार किसकी सरकार को देख रहे हैं कि चंडीगढ़ में किसकी सरकार आएगी? मोदी जी की। हाँ जी, मोदी जी की। मोदी जी की। मोदी जी की क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, महिलाओं के लिए गैस चूल्हा दिया है, शौचालय बनाया है, गरीबों को क्या आवास योजना वो दी है, लड़कियों के लिए बहुत सुविधा दी है। हम ये चाहते हैं चंडीगढ़ में मोदी जी ने अपनी सांसद किरण मैम द्वारा क्या कुछ करवाया? बहुत कुछ करवाया है, जैसे कि रोड अच्छे बनवा दिए, रोड अच्छे, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं कर दी है। तो इस बार किसकी सरकार को देखते हैं? मोदी सरकार को। तो ये भी मोदी सरकार को देखते हैं। आइए कुछ और महिलाओं से जानते हैं उनके बारे में। तो इस बार चंडीगढ़ में किसकी हवा देख रहे हैं? हम तो चंडीगढ़ में भी अब तक कांग्रेस की हवा देख रहे हैं। कांग्रेस जी, यानी कि बंसल जी आएंगे? बंसल साहब आए। क्यों, भाजपा का कार्यकाल कुछ ठीक नहीं रहा? नहीं, भाजपा का कार्यकाल से हमें भाजपा से एलर्जी नहीं है, हमें कैंडिडेट को चाहिए जो हमें चंडीगढ़ में हमारे दूसरे देख सकता है। तो मतलब कि किरण मैम ने कुछ ऐसा नहीं किया? किरण मैम की हमने आज तक शक्ल नहीं देखी अपनी हमारे। मैं मोदी को वोट इसलिए दे रहे हूँ कि मोदी हमारे बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, बहुत अच्छा किया है कि हमारे गांव में यूपी में जो नदी है पुल बनवा रहे हैं, लेटरिंग शौचालय दे रहे हैं, जो जनानी पर्दे वाली थी उनको पर्दा दिया गया है उनके, इसीलिए हम मोदी को जिताना चाहते हैं, मोदी जी को। हाँ, मोदी चंडीगढ़ में मोदी जी ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं? चंडीगढ़ में जिनको मकान जो कांग्रेस ने बनवाया है आपके जमाने में, तो पहले जमाने में बनवाया तो असिला बनवाया है, जो दो दो रूम दिया गया है कि जो पूर्व पुरानिया है आगे रहे, जो फैमिली लोग है पीछे रह जाए, जो बवंजा में बनवाया गया है। तो चंडीगढ़ में किसकी सरकार को देखते हैं? मोदी को। मोदी जी, यानी कि यहाँ की सांसद आप किरण मैम जी को? हाँ, किरण खेर को। हाँ। इस समय हमारे साथ मौजूद है एक युवा जो कि फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या महसूस कर रहे हैं ये। सर, आपका नाम? मेरा नाम संतोष है और ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है और मैं यहाँ पे वोट डालने आया हूँ। सुबह 6 बजे से आया हूँ। वोट डाला पिया कि नहीं? सर, कुछ भी खाया पिया नहीं है, भूखे पेट आया हूँ मैं वोट डालने। मैंने सोचा कि सुबह जल्दी आ जाऊंगा और काम पे निकल जाऊंगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कुशासन इतना है कि मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं है कि लाइन की देखभाल कर सके। कोई भी आ रहा है आगे लग जा रहा है और जाके वोट डाल आ रहा है। हम 6 बजे के यहीं के खड़े रह गए। ठीक है। सर, आपका नाम? हमारा नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र जी, कितने बजे आए थे सर? वो तो हम आए हैं 6 बजे। बिना कुछ खाए पिए? अरे कहाँ, पानी नहीं मिला है, आप तो खाने वाली बात कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्था की गई है पानी पीने की या कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बंदे सब पानी पीने परेशान है एकदम, वो टैंकर भी नहीं पानी पीने जा करके है। खाली सभी लोग को नहीं चाहिए, करें हमको चाहिए, वो करें हमको चाहिए। आप भी 6 बजे आए? नहीं सर, मैं तो 7 बजे के आसपास आया था। 7 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करके आए होंगे? यानी ब्रेकफास्ट करके आए तो कुछ नहीं हुए सर, कुछ नहीं, पानी पिया सर? नहीं सर, भूखे प्यासे लाइन में लगे हुए। चंडीगढ़ में किसकी सत्ता को देख रहे हैं? किसकी सत्ता को देख रहे हैं जी? चंडीगढ़ में किसकी सरकार आएगी? सर, अब ये हम नहीं बता सकते, ये तो फिर भी लोगों में क्या चल रहा है? 23 तारीख के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल नहीं, मैं केवल वोटर हूँ। तो इस बार चंडीगढ़ में किसकी सरकार देख रहे हैं? देखो, जो चंडीगढ़ में वेव चल रही है वो बंसल जी की चल रही है, क्योंकि किरण खेर जी मैडम जी ने कोई काम नहीं करा 5 सालों में। हालांकि जो आप सड़कें भी देख रहे हो, सड़कों का कोई रिपेयर भी कोई वर्क नहीं हुआ, और जो हमारा 1 नंबर पे जो सिटी था वो 20वें नंबर पे आ गया रैंक।
और बहुत सी बहुत तकलीफें हैं जो लोग देख चुके हैं, 5 साल में जो काम नहीं हुए, राशन जो राशन कार्ड पे मिलता था वो बंद हो चुका है। अब लोगों ने देख लिया है, उनको समझ लिया है, अब इस करके वो बंसल जी को वोट डाल रहे हैं। हम मैंने एक बार हमारे किरण से ऊपर आई थी, 4 नंबर के ऊपर, वहाँ पे उनकी वो पार्टी की मीटिंग थी, कुछ भी था। हमने वहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि मैम हमारे जो कॉलोनी के मकान पेंडिंग पड़े हुए हैं और जो पक्के मकान है उनको अलॉटमेंट कब कर रहे हो, तो उनका जवाब ये था कि ये अवैध जगह रहते हैं 4 नंबर के लोग, यहाँ लोग गंदे लोग रहते हैं, हम इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकती। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।